मॉडल पर बात की जा सकती है। कुछ समझ में ना आया मेडिकल साइंस से मेरी वापसी है उन अनुराज तक मजबूत है जिनमें मैं सोच रहा था जो मेरा दिल सहलाने के लिए काफी मेरी आंखों से कम तक मेरी सांस से ज्यादा मुझे हर दर्द का तजुर्बा है सिवाय मुझे की वो मेरी शरीर मजबूरी पुराना मुकद में बात आधा वकील होता है और डायमंड मर्द आदमी पूरा आता है। बायोलॉजी भी कभी मेरा मजबूत नहीं रहा। मेरा ताल्लुक तो उस भोली भाली नस्ल से है जो कुलू से दिल से समझती है कि बच्चे बुजुर्गों की दुआ से पैदा हो जाए। ये नस्ल अपने करतूत को बुजुर्गों की करामत समझती है और कसरत से आबादी से पैदा शुदा मसाइल को नऊज़ुबिल्लाह फजले इलाही मंसूब करती है। उस जमाने में फिल्मों तक में ये हाल था कि अव्वल तो कोसों किनार की मंजिल आती ही नहीं थी लेकिन अगर पब्लिक के तकाजे से कोई नाजुक मकाम आ ही जाए तो वही सीन काट कर स्क्रीन पर दो सफेद कबूतरों को एक जोड़ा दिखा दिया जाता एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाए बैठा होता। साहिबो हमारी सारी नस्ल इन दो कबूतरों के सारे में पलकर जमा मैं अब समाज में लंदन में था लेकिन लिखा लंदन में जहाँ हम 10 साल से मुकीम है फिल्म या टीवी पर रात गए कोई ऐसा वैसा सीन दिखाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये हमारे समाज में इन अंग्रेजों को तो ढंग से मोहब्बत करना भी नहीं आता। प्यार और फर्स्ट स्टेज में कभी नहीं करते माउथ टू माउथ रिसर्सिटेशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह सिर्फ तुखने आम चीजें हमारी फिल्मों में आज भी अगर गलती से हीरो का कुर्ता भी हीरोइन की उंगली को छू जाए तो वो घर पर उनकी छलांग लगा देती जान का जश्न माना। और नजदीक शरीन दरख्त की तरह से बबलगी हो जाती है। हीरो अपना हीरो पकड़ते पकड़ते अंगूठी तैयार देता है। मैं अभी कर रहा था कि मैंने साइंस क्यों पढ़ी। उस जमाने में इसका फैशन भी न था। हम समझते थे कि जो लड़के फारसी और शेर व शायरी में नालायक साबित होते हैं वो साइंस से हैं। बायोलॉजी और एनाटॉमी की जो थोड़ी बहुत मालूमात हमें बचपन में थी वो तमाम तक मोहल्ले के बुजुर्गों की गालियों से वो गालियां क्या थी बस सभी दूर ग्रेट एनाटॉमी उनके मुकाबले में अंग्रेजी की गालियां दूर पीते बच्चों के गाँव गाँव मार देता हूँ उस वक्त जब ये इशारा करेंगे जो भी नाकाम करनी है
हमारे दोस्त थे कृष्ण सर जी प्रियापुत्र हसन अजीत सर उनके घर हम शुरू में जा रहे थे 1950 में 1955 तक उनके बारे में हरियाणा हसन के बारे से ग्रामीण हाजी अहमद हसन हसन साहब रूप आफ्ताब के बाद शेर सिन्हा को मकरूह मनोज फसल फरमाते थे कि अगर शेर सुनने का ऐसा ही शौक है मगरब के बाद तो मुश्ताक साहब के घर जाकर इनसे बाकी नाम लाभ और आहार सुन लो तरन्नुम से शेर सुनने को दस चलनी का मुतरन्नुम आभा समझते खराब शेर और खराब तरन्नुम को कदर की निगाह से देखते उनका ख्याल था कि खराब शायरी और खराब तरन्नुम से तबीयत में इश्तहाल या हैजान पैदा नहीं होता दिन में धोती अहमद और रात को शलवार पहनने के खिलाफ मानू अंग्रेजी फिल्म देखने को पुजली बदमाशी कर रहा थे लिहाजा जब हफ्ते को बेटा इंग्लिश फिल्म का मैगनी शो देखने जाता तो कमला खुद साथ जाते और साथी निगरानी में मुखरिक और अफलाक फिल्म मुलायदा होता मैं और मोहम्मद जाफरी शायद मोहम्मद जाफरी मैं और मोहम्मद जाफरी बारी बारी बाप और बेटे के दरमियान हद अदब बनकर बैठते जैसा मैं इस वक्त की हम दोनों का काम पिता और पिता के दरमियान पढ़ने का था और पढ़ना भी हो जिसे उस जमाने में काना पड़ता था बस यानी आप छुपते भी नहीं सामने आते भी जैसे ही स्क्रीन पर कोई ऐसा वैसा सीन आता तो पहले कबीला अपने साहबजादी की तरफ देखते फिर हमारी तरफ देखते कि ऐनक की पीछे हमारी आंखें खुली हैं या पड़ते लज्जत से बंद हुआ वो भी साहिब कमाल मौजूद थे उनकी आंख मल्टी डायरेक्शनल मतलब ये कि बैक पक्ष खुद वो सीन देखते कनकियों से बेटे को देखते और हमारी बदनजरी पर भी गिरा रहे मल्टी एक्ट्रेस का नीम बढ़ाना लिबास में क्लोजअप आता तो वो साहबजादे को कोई आम कारोबारी सवाल पूछना जैसे नींद बढ़ना हो रहा था पूछते आज जो 150 रूपये की कठिनियां आई हैं हमें त्रिपाल से धर दिया गया उन पर गुस्सा इसलिए और ज्यादा आता था कि उस दिन रूपये की एसी कार्ड नहीं और गुज़िश्ता 100 वर्ष से उस महीने में कभी बारिश कराची में हुई नहीं और ये दोनों बातें कुदरती इधर में थी उन्हें अंग्रेजी नहीं आती कुदरत नजर अंग्रेजी से भी ज्यादा कमजोर थी जैसे ही स्क्रीन पर कोई औरत नजर आती तो हमसे पूछते मुश्ताक साहब इसकी क्या उम्र हम 10-12 बरस कम उम्र बताते फरमाते कि अमेरिकन लड़के लड़कियां उतावले बाले होते हैं बाले होने का इंतजार नहीं करते रोजे फर्ज होने की उम्र से पहले ही बदमाशी शुरू करते और अमेरिकन मस्तूरात शौहर के मरने का इंतजार नहीं करती एक दफा स्क्रीन पर एक जज्बाती सीन आया वो तो करार हुआ चाहता था हाजी साहब ने मेरा जलता हुआ हाथ अपने कांपते हुए हाथ में लेकर पूछा ये जनानी इतनी परेशान क्यों
کر زیادہ مہینے کے بعد اچھا مضمون پڑھا کیا